है शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव, है शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव, है शिवालय में शिव। ग्रंथ कहते हैं तेजो महालय में शिव, ग्रंथ। अच्छा, आपको आदत नहीं है तेजो महालय कहने की, आपने सुशिक्षित ताजमहल पढ़ा है। क्यों क्यों? लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे भाई, प्यार की निशानी की बात करनी है तो चले जाना रामेश्वरम, जहां सीता जी के प्रेम में राम जी ने छोटे छोटे बानर भालुओं से बगैर सीमेंट और उस कंक्रीट का पुल बनवा दिया पत्थरों का। प्यार की निशानी तो उसे कह सकते हैं। वो ताजमहल नहीं है, हमारे ग्रंथों को दबाया गया। अब हम सबको जानकारी मिल रही है कि वो ताजमहल नहीं है, वो तेजो महालय है जिसमें भगवान शिव विराजमान है। और आज भी उस तेजो महालय में आज भी जल की बूंदें टपकती हैं। मुगलों ने जिसको कवर कर रखा है उसके नीचे हमारे महादेव विराजमान है तेजो महालय में, आज भी जल की बूंदें उनका अभिषेक करती हैं। जानो इस बात को, है शिवालय में शिव, है हिमालय में शिव, है शिवालय में शिव। ग्रंथ कहते हैं तेजो महालय में शिव, ग्रंथ कहते शिव सनातन के हर एक नगीने में, शिव सनातन, शिव सनातन के हर एक नगीने में, काशी के वासी, काशी के वासी बैठे हैं मक्के मदीने में, काशी के वासी बैठे हैं मक्के। मैं कोई बातें झूठी नहीं लिखता, प्रमाणिक तौर पर आप भविष्य पुराण में ये ग्रंथ का, इस घटना का उल्लेख पा सकते हैं। 18 पुराणों में से भविष्य पुराण कहता है कि मक्के में जाकर जिस पत्थर की सजदा करते हैं मुस्लिम, वो पत्थर और कोई नहीं, वहां हमारे मक्केश्वर महादेव विराजमान है। आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हो इस बात को। इसलिए मैंने लिखा काशी के वासी बैठे हैं मक्के मदीने में, काशी के वासी बैठे हैं मक्के मदीने में, किया संकोच ना विष्णु पीने में, किया संकोच ना विष्णु पीने में, किया संकोच ना विष्णु पीने में, काशी के वासी। भारत में राजधानी रियासत भी है, भारत में राजधानी रियासत, भारत में राजधानी रियासत भी है भोले बाबा की, काशी नगरी, जिनको निर्माण स्वयं भोलेनाथ ने किया अपने हाथों से। भारत में राजधानी रियासत भी है, चाइना में तो शिव की सियासत भी है, चाइना में तो शिव की सियासत भी। चाइना में कैसे सिया? कैलाश पर्वत इस समय चाइना के अंडर में है। ताली बजा रहा आनंद आ रहा है। भारत में राजधानी रियासत भी है, भारत में राजधानी, चाइना में तो शिव की सियासत भी है, चाइना में तो शिव की सियासत। रहता नेपाल, बोलिए बाबा पशुपति नाथ, कहो रहता नेपाल उनके करीने में, रहता नेपाल, रहता नेपाल उनके करी
काशी रहते हैं, बैठे हैं, पंकज सुख पाता सावन महीने में। अरे भाई, जो अनाथों को भी अपना ले वही महादेव है, जो संसार के लिए हंसते हंसते विष पी ले वही तो महादेव है, जिसका एक महीने का दिन हो वही तो महादेव है। पंकज सुख पाता सावन महीने में, पंकज सुख पाता